हेलो एवरीवन, मैं हूँ राना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राना फूड हाउस। आज हम बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आए हैं। आज हम ब्रेड कॉर्नर से चीज़ बोल बनाने वाले हैं। चीज़ इसे हम ब्रेड के कॉर्नर से तैयार करेंगे। ज़्यादातर इसे हम ब्रेड क्रम बना के इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम पकौड़े, कटलेट या किसी भी चीज़ को कोटिंग में इस्तेमाल करते हैं। कभी ये बहुत ज़्यादा कॉर्नर बढ़ जाते हैं तो हम इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते और हम इससे वेस्ट कर देते हैं। इस रेसिपी को देखने के बाद आप कभी भी कॉर्नर्स को वेस्ट नहीं करेंगे और इससे टेस्टी और यूनिक रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए हमें चार ब्रेड के कॉर्नर से एक अमूल चीज़ स्लाइस, एक उबला हुआ आलू, इसमें मसाले हैं, एक बहुत ही छोटी मीडियम साइज़ की थोड़ी सी प्याज, चाट मसाला, नमक 1/1/4 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और पानी के 10 से 15 चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे। तो शुरू करते हैं चीज़ बोल बनाना। देखिए ये ब्रेड है, इसे हम क्रश कर रहे हैं। पहले हम इसे पानी डाल के अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। अगर आपका पानी ज़्यादा हो जाए तो आप इसमें ब्रेड लेके इसको फिर से मैश कर सकती हैं। देखिए इसमें इतना पानी डालना है कि इसके मुट्ठी बनने लगे। यह मुट्ठी बन रही है, अब इसमें हम मसाले मिलाते जाएंगे। सबसे पहले हम इन सूखे मसालों को डाल देंगे, प्याज, नमक, चाट मसाला और ये चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, लाल मिर्च पाउडर। देखिए अब इसमें हम ये आलू को थोड़ी मोटी कद्दूकश वाले में, देखिए इसका साइज थोड़ा मोटा है, इसे हम क्रश करेंगे। इसे हाथ से हम मैश करके नहीं डाल रहे हैं, इससे करने से दम मार्केट वाला टेस्ट आता है। अब हम इसमें चीज डाल देंगे। देखिए ये चीज, इसको अच्छे से पूरे इसमें हम मिक्स कर लेंगे कि चीज का फ्लेवर पूरे में आ जाए। अगर इसमें पानी की ज़रूरत होगी तो हम पानी ऐड करेंगे, पर इस ये मिक्सचर पूरा तैयार है, देख सकते हैं। मैं इसकी मुट्ठी बांध के देखूंगी। देखिए बिल्कुल इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और इसे डीप फ्राई करेंगे। देखिए इतने बड़े साइज के हम बोल बनाएंगे और इसके सारे हम तैयार कर लेंगे बोल्स। देखिए ये बन चुका है, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, हम इसे हाई टू मीडियम पे बनाएंगे। अभी तेल गर्म नहीं हुआ है, हम इसे अच्छे से गर्म करेंगे। हम चेक करेंगे कि तेल अच्छे से हुआ है कि नहीं। देखिए ये तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सारे बॉल्स डालेंगे। ऐसे गोल्डन होने तक इसे हम ब्राउन करेंगे। देखिए कितना अच्छा सा इसमें कलर आना शुरू हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखिए ये बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको निकाल ले रहे हैं। अब बाकी बॉल्स को भी हम फ्राई कर लेंगे।
आपको हमेशा इसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है, हाई टू मीडियम करते रहना है। स्लो पे हम नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें चीज है तो मेल्ट होने लगती है हाई फ्लेम पे। ये भी गोल्डन हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब इसे हम सर्व करते हैं। देखिए रेडी है चीज बॉल। मैंने मेयोनीज के साथ इसे सर्व किया है। आप अपनी किसी भी पसंद की कोई भी चटनी सॉस के साथ इसे खाइए और मुझे बताइए कैसा बना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।